दोस्तों नमस्कार। स्टडी पोर्टल में आपका स्वागत है। मैं आपका साथी और गाइड डॉक्टर विजय। दोस्तों आज की वीडियो में हरियाणा के प्रसिद्ध मेलों को पढ़ेंगे। जब जब हरियाणा का कोई भी एग्जाम आता है तो उसमें मेलों से क्वेश्चन जरूर आता है। तो अब हमने एक सीरीज शुरू की है जिसमें हर रोज का एक टॉपिक होगा, चाहे वो मेले हो, चाहे वो मस्जिद हो, चाहे वो त्योहार हो, चाहे वो वेशभूषा हो, चाहे वो आभूषण हो, चाहे वो फसलें हो, चाहे वो मिट्टियां हो, या फिर जितने भी अलग अलग पोर्शन होते हैं, अलग अलग टॉपिक होते हैं, सबके ऊपर हरियाणा की वीडियो आएगी। आज की वीडियो में हम मेलों को देखेंगे। कल वाली वीडियो में हमने पत्रकार, पत्रिकाएं और समाचार पत्रों को पढ़ा था। डेली अलग अलग लेक्चर्स को देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब और प्रेस कीजिए बेल आइकन को। क्वेश्चन नंबर एक से, सूरजकुंड का जो मेला है वो फरीदाबाद के अंदर लगता है। 1 फरवरी से लेकर 15 फरवरी तक हर साल ये लगता है। हर बार एक थीम स्टेट होता है और हर बार कोई ना कोई दुनिया का देश इसको प्रमोट करने के लिए अलग लेवल पर अपना योगदान भी देता है। यानी सबसे पहला सूरजकुंड शिल्प मेला, सूरजकुंड फरीदाबाद के 1 से 15 फरवरी। दूसरा क्वेश्चन है वैसाखी का महोत्सव जो पिंजौर के अंदर मनाया जाता है, पंचकूला के अंदर है, 13 से 14 अप्रैल को हर साल होता है। 13 अप्रैल को वैसाखी का त्योहार कहते हैं, जिस दिन गेहूं की कटाई शुरू होती है और अंग्रेजों के राज में जलियांवाला बाग हत्याकांड भी 13 अप्रैल को ही हुआ था। तो दोस्तों यहां पर बैसाखी को त्योहार के रूप में हम लोग सिखों का, या फिर ये कहे कि नॉर्थ इंडिया के अंदर गेहूं की कटाई फसल किसान के घर आने की शुरुआत होती है, इसलिए मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा, गीता जयंती समारोह ऑटोमेटिकली कुरुक्षेत्र के अंदर होता है और नवंबर और दिसंबर के अंदर हर साल इसको मनाया जाता है। हरियाणा सरकार से लेकर के सेंट्रल लेवल तक इसके योगदान होते हैं। चौथा क्वेश्चन है आम का मेला। आम का मेला पिंजौर के अंदर लगता है जो कि पंचकूला में है, यादवेंद्र गार्डन जिसे मुगल गार्डन भी कहते हैं उसके अंदर यह लगता है। जून जुलाई के अंदर हर साल इसको आयोजित किया जाता है। तीसरा क्वेश्चन है शिल्प मेला ओएसिस। शिल्प मेला ओएसिस करनाल के अंदर अक्टूबर के महीने में एवरी ईयर इसको भी लगाया जाता है। अगले है रामदेव मेला जो सिरसा के अंदर लगता है, रामदेव जी महाराज का। उसके बाद कुछ अलग मेले अगर देखें तो बाबा मस्तनाथ का मेला जो रोहतक के अंदर लगता है। उसके बाद अगला है शारदा देवी का मेला, ये दोस्तों अंबाला के अंदर हर साल लगता है। कनवा का मेला की बात करेंगे तो फरीदाबाद के अंदर आता है, एनसीआर के अंदर भी है। बाबा मुंगिप्पा का मेला रिवासा के अंदर लगता है जो तोसाम के क्षेत्र में आता है। डिस्ट्रिक्ट पूछेंगे तो भिवानी आएगा। पांडू का मेला हर महीने लगता है और यह करनाल के अंदर आयोजित किया जाता है। शीतला माता का मेला और शीतला माता का मंदिर दोनों ही गुड़गांव के अंदर है, बहुत फेमस मंदिर माना जाता है। बाबा नागा का मेला राजगढ़ के अंदर है। डिस्ट्रिक्ट अगर पूछेंगे तो आपका भिवानी आ जाएगा। शिवजी का मेला पुनहाना मेवात के क्षेत्र में शामिल है। सोमवती अमावस का मेला पेहवा के अंदर भी लगता है और कुरुक्षेत्र के अंदर भी लगता है। पेहवा के अंदर अलग होता है और कुरुक्षेत्र के अंदर ब्रह्म सरोवर पे अलग होता है, जहां सूर्य ग्रहण का मेला भी लगता है। छड़ियों का मेला बहुत फेमस है करनाल के अमूपुर में। छड़ियों का मेला करनाल के अमूपुर में लगता है जो काफी चर्चा का केंद्र रहता है हर बार। पांडू पिंडारा का मेला दोस्तों जीर के गांव पांडू पिंडारा में लगता है, जहां पर भी पिंडों का दान होता है। सच्चा सौदा स्पीदो जींद के अंदर आमतौर पर, एक सिरसा भी इसका ऑप्शन होता है कई बार। मेला बाबा गरीबदास का जो है वो जझर डिस्ट्रिक्ट के अंदर छुड़ानी नामक गांव के अंदर लगता है, बहुत चर्चित है। भगत पूर्णमल का मेले की बात करेंगे गांव के अंदर यह लगता है। बाबा जमुनादास का मेला रोहतक के अंदर लगता है, रोहतक के भालोट के अंदर। फल्गु का मेला फल्गु तीर्थ पर लगता है। फल्गु तीर्थ फरल गांव में है और यह फरल गांव जो है ये कैथल के अंदर है। हरियाणा के अंदर जब तीर्थों की बात आती है
तो आपका कुरुक्षेत्र का पेहवा, जींद का पांडु पिंडारा और कैखल के फरल गांव का फल्गु मेला ये बहुत चर्चित होते हैं। गणगौर का मेला, गणगौर का मेला दोस्तों सिरसा के अंदर लगता है। राधा स्वामी के मेले की बात करेंगे तो राधा स्वामी का मेला सिकंदरपुर जो सिरसा का गांव है वहां पर लगता है। माता मसानी का मेला, माता मसानी का मेला आपके महेंद्रगढ़ के अंदर लगाया जाता है। रावण के मेले की बात करेंगे तो ये मेवात में लगता है, मेवात का क्षेत्र है फिरोजपुर। सती का मेला, सती का मेला दोस्तों भिवानी के खरक में लगता है जिसे दादे जी की याद में मनाया जाता है या लगाया जाता है। ये हर साल बहुत ज्यादा चर्चित होता है। तो दोस्तों ये तो थे कुछ मेले, हालांकि मैं मेलों के साथ साथ आपको थोड़ा बहुत और इसी में करवाने की कोशिश करूंगा, लेकिन अगर मेलों की बात करेंगे तो आप इसको थोड़ा ध्यान से जरूर देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, अपने कॉपी को नोट डाउन कर सकते हैं। कंप्लीट बुक की अगर ई बुक चाहिए या पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। एस्टेट वगैरह के और हरियाणा पुलिस के कल के ग्राम सचिव के पंचायत सेक्रेटरी के या एचसीएस के नोट चाहिए तो बाई कोरियर हमारे पास ऑर्डर कर सकते हैं। ये कुछ एक दो क्वेश्चन और करा देता हूं। हरियाणा दिवस 1 नवंबर को, हरियाणा पर्यटन दिवस 2 सितंबर को और विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। कभी कभी मूर्तियों का जिक्र भी आता है मेलों के साथ, इसको देख लेते हैं। प्रमुख मूर्तियों की बात करेंगे तो मुख यक्ष और यक्षिणी की मूर्ति हरियाणा में कहां मिली, पलवल के अंदर, पलवल हथीन फरीदाबाद। ये एक तो ये देखना आपको, पलवल हथीन फरीदाबाद से। महात्मा बुद्ध की मूर्ति ब्राह्मण मास रोहतक के अंदर, शिव की मूर्ति नौरंगाबाद भिवानी के अंदर और उसके साथ बरवाला हिसार के अंदर और औरंगाबाद। सूर्य देव की मूर्ति अग्रोहा हिसार के अंदर और विष्णु की जो मूर्ति है वो मोहन वाड़ी रोहतक के अंदर मिली थी। एक दो क्वेश्चन और है इसका। सरसैया पर लेटे विष्णु, फिजलपुर सोनीपत की मूर्ति यहाँ, सरसैया पर लौटे विष्णु की मूर्ति फिजलपुर सोनीपत में, सूर्य स्तंभ पर बनी मूर्ति आमिर थानेसर के अंदर। इसके बाद कुछ और मंदिर हरियाणा के फेमस है जिनके बारे में मैं डिस्कस करता हूं। बिरला मंदिर, बिरला मंदिर की बात करेंगे तो बिरला मंदिर कुरुक्षेत्र में है, संत केशवर मंदिर कुरुक्षेत्र में है, मार्कंडेश्वर मंदिर यहीं पर आपका कुरुक्षेत्र में ही है, उसके साथ साथ आपका भद्रकाली मंदिर कुरुक्षेत्र में ही है, घटेश्वर मंदिर रेवाड़ी में है, भूतेश्वर मंदिर जींद में है, पिंडारा का मंदिर ऑटोमेटिकली जींद के अंदर है ही है, भीमा देवी का मंदिर पंचकुला में, मनसा देवी का मंदिर पंचकुला में है, पंचमुखी हनुमान मंदिर यमुनानगर के जगाधरी में है, मंत्रा देवी मंदिर यमुनानगर के जगाधरी में है और ब्रिम्स मंदिर जो है वो इसको ब्रिक्स बोल सकते हैं, वैसे ब्रिम्स बोल देंगे इसको, ब्रिम्स मंदिर भी आपका रहेगा। अच्छा, अन्य मेलों में शीतला माता गुड़गांव मैंने बताया, चंडी देवी का आपको चंडीगढ़ बताया, काली माता का मंदिर रेवाड़ी में डिस्कस किया और भवानी अंबा का मंदिर आपका अंबाला के अंदर। ये कुछ ऐसे मंदिर हैं जो हरियाणा जीके के रूप में हर बार किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। आप इनको थोड़ा ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए, जब जब इस टॉपिक को पढ़कर आप जाएंगे पेपर में आपको कोई क्वेश्चन जरूर मिलेगा। हर रोज का एक टॉपिक होगा और इसके लिए आप हमारे साथ बने रहिए। आप लोग जितने जल्दी आप मेहनत करेंगे उतने ही सिलेक्शन